हाय एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सब लोग से न्यू किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं कोलगेट का भी एक टिप्स लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पहला टिप्स है इस तरीके की हरी मिर्ची को लेकर के। तो जब भी हम अपने घरों में हरी मिर्ची ज़्यादा क्वांटिटी में काटते या फिर एक या दो काटते, तो आपको तो पता ही होता है हरी मिर्ची कितनी तीखी होती है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में काटने के बाद भी और या फिर कम क्वांटिटी में काटने के बाद भी हम अपने हाथों से काटते हैं इसे खुले हाथों से, तो क्या होता है ना, हमारे हाथ में मिर्ची तो कट जाती है लेकिन मेरे हाथ में बहुत ही लहर रहता है। कि सबके हाथ में ही ऐसा होता है, तीखापन जो इसके कारण होता है, जिसके कारण हाथ रेड भी हो जाता है। तो मिर्ची काटने के जस्ट बाद ना, या तो हमें सरसों का तेल लगा लेना चाहिए हाथ में या फिर इस तरीके का आटा सान लेना चाहिए, जिससे हमारा ये लहर नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टिप्स है इस तरीके के, कोई फर्श हो या फिर किचन का रैक होता है जिसपे तेल वगैरह तो गिर जाते हैं, लेकिन उसे हम अगर पोंछ देते हैं तो क्या होता है, पूरा रैक मेरा गंदा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है दिखने में। सरसों का तेल भी बहुत ही चिपचिपा चिपचिपाहट होता है। तो ऐसा ना करने के लिए जिस जगह पर सरसों का तेल गिरता है ना, उसी जगह पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोई सा भी आटा या फिर मैदा होता है वो ले लेंगे, जिसके कारण ये मैदा और आटा क्या करता है ना, सरसों के तेल को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और वहाँ पर हम उतना ही दूर में गंदा भी होगा हमारा रैक। और कोई सभी कागज लेकर के या फिर कपड़े लेकर के हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे, तो ये आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इतना ही दूर में ये रहेगा भी गंदा और चिपचिपाहट भी नहीं रहेगी। इस तरीके से देख सकते हैं, मिक्स करने के बाद हम सारे आटे को निकाल के फेंक देंगे, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा से हमारा ये किचन का फर्श है वो क्लीन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट टिप्स हमारा कोलगेट के मतलब पैकेट को लेकर के। तो जब भी हमारे घरों में कोलगेट का यूज होता है तो हम कोलगेट के पैकेट को जनरली क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है, कोलगेट का यूज करने के बाद भी कोलगेट के अंदर ना बहुत सारा रहता है, तो इसको काट करके पहले हम तो हम यूज कर लेंगे ऊपर से, और उसके बाद हम ना इसका एक दूसरा उपाय भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम कोलगेट के खोले को क्या करेंगे, इस तरीके से कैंची की हेल्प से हम इसे अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, और इसमें देख सकते हैं मैंने इस तरीके से ऊपर वाले पार्ट को हटा के फेंक दिया। तो फ्रेंड, हम जो कपड़े ऊपर रखते, साड़ी हो गया, सब कुछ हो गया, इसके खोले से इसमें हम टांग करके भी रख सकते हैं। और ये जो हमारे घर में अलमीरा बना हुआ रहता है, इसके अंदर कांच लगा हुआ रहता है, तो वैसे हम क्या करेंगे ना, इसके खोल करके और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। इसके कपड़े बहुत बहुत दिनों के होते हैं, जिसे हम पहनते नहीं है, ऐसे कभी कभार पहनते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, इसमें गर्मियों के मौसम में, बारिश के मौसम में चींटियाँ वगैरह लग जाती है और स्मेल करने लगती है। तो ऐसा नहीं करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, कोलगेट में के अंदर जो होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा कोलगेट बचा हुआ वो ना बहुत ही उपयोगी होता है, जिसके कारण इसमें चींटियाँ भी नहीं लगेगी और चूहे वगैरह जो भी होते हैं आ जाते हैं वो भी नहीं आएंगे, हमारा कपड़ा भी सुरक्षित रहेगा। तो आई होप आप लोग को ये ट्रिक पसंद आएगा, कहीं कहीं मैं इसको बिछा के रख दूंगी, तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट टिप्स हमारा इस तरीके के छोटे छोटे जो भी सामान रहते हैं पड़े हुए, मेकअप का जो भी होता है, क्लेचर वगैरह, रबर बैंड या फिर इयररिंग्स या क्लिप जो होता है, साइड पिन वगैरह, तो ये सब ना इधर उधर बिखरने पे ना जब टाइम पे हमें मिलते नहीं रहती है। तो इसके लिए ना हम क्या करेंगे, छोटा सा जो हमारे घरों में डिब्बा रहता है जिसका यूज नहीं होते रहता है, उसे हम साफ़ कर लेंगे, ब्रशलेट वगैरह, रबर सब, इसको हम इसमें एक इकट्ठे करके रख देंगे और कभी भी हम इसे एक जगह ऑर्गेनाइज करके